आई एम अ मीडिया स्टूडेंट एंड मेरा अभी अभी जस्ट कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो आई वांटेड अ जॉब. ये तो मैंने उनको बताया कि मैं हिजाब पहनती हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ और ड्यूरिंग माई जॉब मैं इसको पहनूंगी. तो क्या ये एक प्रॉब्लम होगी आपके लिए या आपके न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो दिस पर्सन वेंट साइलेंट फॉर लाइक 3 मिनट्स एंड दिस साइलेंस वॉज यू नो समथिंग विच वॉज कंसर्निंग मी. पूरा क्रिएटेड सिस्टम है जिसकी वजह से मुस्लिम्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाता है किसी भी जॉब में बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी. तो ये प्रॉब्लम जो इस्लामोफोबिया की है वो इतनी ज्यादा डीप रूटेड हो चुकी है जिसमें कि मुस्लिम्स को भी यू नो आई मीन दे हैव टर्न्ड मुस्लिम्स इस्लामोफोबिक ऑल्स. मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा फील्ड में काम करूँ और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि हाउ डज थिंग्स गो. तो one of my friends suggested that this portal and aap jao aur dekho yahan pe kya kya requirement hai. So I called this person. It was a telephonic conversation pura aur matlab maine unse pucha ke kya what are the job profiles. To unhone bataya ki ek anchor ki job hai aur theek hai matlab aap bataiye about yourself, अपना बैकग्राउंड, आपने क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने ये सब चीजें डिस्कस की. सैलरी डिस्कस हो गई, मतलब मुझे जॉब मिलने वाली थी. आई वॉज अबाउट टू गेट द जॉब और फिर मैंने सोचा कि ये चीज बतानी चाहिए क्योंकि इंडियन मीडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिजाब में कोई भी इंसान या कोई भी लड़की टीवी शो में आती है या एंकर की पोजिशन लेती है. तो मैंने उनको बताया कि मैं हिजाब पहनती हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ और ड्यूरिंग माय जॉब मैं इसको पहनूंगी. तो क्या ये एक प्रॉब्लम होगी आपके लिए या आपके न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो दिस पर्सन वेंट साइलेंट फॉर लाइक 3 मिनट्स एंड दिस साइलेंस वॉज यू नो समथिंग विच वॉज कंसर्निंग मी. तो मैंने उन्हें बोला कि मतलब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, इंडियन मीडिया में तो ऐसा नहीं है, कोई भी हिजाब पहन के नहीं बैठता है, तो मैं आपको मतलब नहीं ले सकता हूँ जॉब के लिए और आपकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं. तो आई टोल्ड दिस पर्सन के ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं, कभी ना कभी तो शुरू करनी पड़ती है, तो क्यों ना आप इसको अपनी तरफ से पहले बार स्टार्ट करते हैं और आप वो पहले इंसान बनते हैं जिसने किसी भी हिजाब वाली लड़की को एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किया. तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा तो एक छोटा सा पोर्टल है और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं मतलब उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हो सकता है कि मेरा जो आउटलेट है वो बंद हो जाए. तो आफ्टर दिस रिजेक्शन आई फेल्ट दैट इट इज नॉट ओनली अबाउट मी नॉट गेटिंग अ जॉब, इट इज दिस पूरा क्रिएटेड सिस्टम है जिसकी वजह से मुस्लिम्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाता है किसी भी जॉब में बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी. जो एक क्रिएटेड सिस्टम है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है सोसाइटी को, मतलब जिसने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया हुआ है सोसाइटी को कि वो एक मुस्लिम को आगे आते हुए मे बी या फिर एक ऐसे इंसान को जो हिजाब पहन रहा है नहीं देखना चाहती है अपने टेलीविजन पे. और एक सिस्टम पूरा ये भी क्रिएट किया गया है कि आई मीन आपको किसी भी जॉब में आने के लिए सर्टेन तरीके का दिखना जरूरी है, स्पेशली मीडिया. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिम्स काम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कभी वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं. तो ये सिस्टम विद इन द मीडिया भी बना हुआ है, विद इन द सोसाइटी भी बना हुआ है. तो मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, इनफैक्ट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट मीडिया पोर्टल ऑल्सो. मैं देख रही हूँ जब से मैंने ये चीज स्टार्ट की है, मैंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है कि मैं वॉइस अप करूँ उन सारे लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. तो मैं देख रही हूँ एक सेक्शन ऐसा भी है जो इस चीज को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं मतलब आप तो मुसलमान है और ऐसा तो मीडिया में नहीं हुआ है. तो ये सारी चीजें जो है उनको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पूरी 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 फ्रीडम है, पूरी पूरी लिबर्टी है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, बावजूद इसके वो इस चीज को मतलब निग्लेक्ट करते हैं और ये कहते हैं मतलब उनके दिमाग में एक ये नोशन क्रिएटेड है कि मुस्लिम किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को असर्ट नहीं करे. आफ्टर एंटी सीएए प्रोटेस्ट किस तरीके से मुसलमानों को कॉलोनीज में रेंटेड हाउस नहीं मिले, किस तरीके से वेंडर्स का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया बिफोर वो किसी कॉलोनी में एंटर करते या फिर अपनी सब्जियां या जो भी चीज है. तो सिर्फ
ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड सेक्टर, एजुकेटेड सेक्टर ही इससे अफेक्टेड है, अनएजुकेटेड सेक्टर भी इससे बहुत बहुत हद तक अफेक्टेड. जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनका जो जवाब है वो उनके सवाल में ही है. देखिए इस्लाम सब इस्लाम या फिर कोई भी रिलीजन कोई इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं या कोई भी इंसान अपने तरीके से इंटरप्रेट करके पेश कर दे. मैं कोई रिलीजियस प्रीस्ट नहीं हूँ या मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई भी मतलब रिलीजियस वो नहीं हूँ कि मैं किसी भी चीज का लिटरल इंटरप्रिटेशन या फॉर दैट मैटर इस्लाम का इस मामले में लिटरल इंटरप्रिटेशन दे सकती. लेकिन एज फार एज द प्रोफेशन इज कंसर्न, तो इस्लाम का ये कहना है कि जब तक आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं, जब तक आप अपने प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं विद इन इट्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिलीजन, तो इट इज परमिसिबल टू डू और आई मीन टू परसू अ सर्टेन प्रोफेशन. मैं जब भी अपनी कोई भी चीज करने की कोशिश करती हूँ तो वो मास्टर्स तक पहुँचती है ऑलरेडी. तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लोग मुझे जानते नहीं है या मैं इसलिए कर रही हूँ. और ये जैसे कि मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ कि ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिली, ये बात इतनी बड़ी है और इतनी डीप रूटेड है कि जो मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो भी इस चीज को कह रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम जो इस्लामोफोबिया की है वो इतनी ज्यादा डीप रूटेड हो चुकी है जिसने कि मुस्लिम्स को भी यू नो आई मीन दे हैव टर्न्ड मुस्लिम्स इस्लामोफोबिक ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग इट फॉर द पब्लिसिटी ओनली और आई एम डूइंग इट फॉर गेटिंग अ जॉब. और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा सिर्फ मीडिया सेक्टर में हो रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स में आप देख लीजिए कि बहुत ऐसी लड़कियों को जॉब नहीं मिलती है जो हिजाब पहनते हैं. एंड इट इज ऑल्सो आई मीन आई वॉन्ट टू कॉन्स्टिट्यूट वन मोर थिंग इन टू इट इज दैट के इट इज ऑल्सो सेक्सिस्ट इन नेचर. आप देखिए मीडिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बहुत कम वुमेन है जो काम कर रही है इस फील्ड में, तो ऐसे भी हम बहुत कम है. और मुझ जैसी जो लड़कियां हैं जो अपने रिलीजन को भी फॉलो करना चाहती हैं और मीडिया में आना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं भी ये चीज उनको रोकेगी. मैंने अभी तक द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसमें काम किया है और NDTV में मैंने डेस्क के लिए काम किया था ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन. तो उन दोनों आउटलेट्स में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. आई मीन आई हैड एज फार एज आई वाज कंप्लीटिंग माय वर्क, मेरी नॉलेज के बेसिस पे मुझे वहां सेलेक्ट किया गया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, मेरी एबिलिटी को चेक किया, उस हिसाब से मुझे जॉब मिली या इंटर्नशिप मिली. तो वहां उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ. मुझे लगता है कि इंसान को उसकी एबिलिटी के ऊपर ही जज करना चाहिए. आई मीन एक एम्प्लॉयर का इस बात से क्या ताल्लुक होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय क्या पहन रहा है. एज फार एज आई एम कम्प्लीटिंग माई वर्क, एज फार एज आई एम केपेबल इनफ टू डू सर्टन I mean, give out certain requirements of the organization. This should not be the concern of an employer or a recruiter for that matter. अभी काफी time हो गया है इस movement को start किए हुए. I mean, I just look at it as a movement. कि ये practice जो discriminatory practice है Muslims को employ ना करने की just because of their Muslim identity. ये चीज खत्म होनी चाहिए. मेरा ये motive है basically. तो अब काफी दिन हो चुके हैं इस चीज को पब्लिक डोमेन में आए हुए. बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया, TRT ने रिसेंटली इसको कवर किया है. और मतलब मुझे ये लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी होगी, लेकिन कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल जिसको हम कहते हैं मतलब वो लोग अभी बाहर निकल के नहीं आए हैं और उन्होंने इस चीज को सामने नहीं रखा है अभी तक कि ठीक है हम इस प्रैक्टिस को